गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहम जनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम ग्रगण्यम सकल गुण निधान वान राणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमा। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव सिया राम मैं सब जग जानी करवो प्रणाम जोरी जुगपा। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान बंदव सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम मम ही अवसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशो जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आज यज्ञ के दूसरा दिन और कथा के प्रथम दिन एगो विशेष निवेदन बा। कुछ लोग कथा शुरू का बल धीरे से उठ के चले लागल। बहुत देर के मानता नहीं कि आयल बनी, लेकिन लगातार 7 दिन 8 दिन बहुत जरूरी होला जीवन में सत्संग।
तो आप लोग व्यस्ततम समय में से समय निकाल के और कथा में समय दी। और जितना लोग पंडाल में एकदम पीछे बा, आपो सबसे आग्रह बा कि आप लोग नियरे आके बैठ जाएं। आई सर्वप्रथम उपरात पर ब्रह्म परमात्मा जगन नियंता जगदाधार नारायण प्रभु श्री सीताराम जी बाबा विश्वनाथ मैया पार्वती प्रभु श्री नाम के अनन्य भक्त अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज और समस्त देवी देवता सबके चरण में बार बार नमन वंदन करते हुए यज्ञ के समस्त विद्वान आचार्यगण समस्त यजमानगण यज्ञ समिति के समस्त पदाधिकारीगण जहां तक माइक की आवाज जाता समस्त नगरवासी छत्रवासी ग्रामवासी कथा के प्रेमी भक्तजन कथा प्रारंभ से पूर्व के गंगुआ के पवित्र पावन धरती के बार बार नमन वंदन करते हुए आप सबके व्यासपीठ से बार बार अभिवादन स्वागत और प्रणाम बा। प्रेम से बोलिए यज्ञ भगवान की। आई समय बहुत ज्यादा हो गेल बा, समय कथा के बाद 2 से 4 और 3 बज गेल बा, आई थोड़ी देर सुन ली भाव से, कहें कि जब तक पवित्रता ना रही तो ले परमात्मा ना मिलब। परमात्मा मिलब कैसे जब पवित्रता रही, पवित्रता कैसे हुई। मुखे पवित्रम मुखे पवित्रम जग राम नामम हृदये पवित्रम जदि ब्रह्म ज्ञानम हस्तौ पवित्रम यदि पुण्यदानम चरणौ पवित्रम यदि तीर्थगमनम। मुख के पवित्रता तब हुई कि जब राम नाम लिया और हृदय के पवित्रता तब हुई कि जब ब्रह्म ज्ञान होके और हाथ के पवित्रता तब हुई कि जब कुछ पुण्य में दान होके और चरण के पवित्रता तब हुई कि जब तीर्थ यात्रा होके। ताई वेद की पहली ऋचा में सामवेद की स्वर के ब्रह्म काल गेल बा, जहां स्वर वो जय ईश्वर, तो स्वर में स्वर मिला के वो ईश्वर के ध्यान करी। कहीं कि कलयुग में कल युग जोग जग नहीं जाना एक प्रभाव नाम गुण गाना कितनों यज्ञ अनुष्ठान करा ली। सबसे ज्यादा अगर महत्व बा तो नाम के महिमा बा एक कलयुग में। और भागवत जी में भी बतावल गेल कि यह फलम नास्ति तपसा जोन फल तपस्या में नहीं खेल न योगे न समाधि नाम न समाधि बाबा न योग में बा तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सव कीर्तनात। तो आई दुबार प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गो जय जय बाके बिहारी नंद लाल मेरो है जय जय गोविंद मेरो है
गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। तनी और प्रेम से ताली बजा के भाव से। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, यशोमती मैया से राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों बोली मुस्काती मैया, ललन को बताया बोली मुस्काती मैया, कारी आंदी यारी आंदी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मोरा ओ, लाडला कन्हैया मोरा काली कमली वाला इसलिए काला, यशोमती मैया से राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। इन्हें सत्ता